तुम्हारी कोई हार, तुम्हारा कोई दुख तुम्हारे जीवन से बड़ा कैसे हो सकता है? कैसे तुम्हारा कोई दुख, कैसे तुम्हारी कोई हार यह जीवन त्यागने के लिए तुम्हें विवश कर सकती है? अगर कभी इस तरह जीवन त्यागने का ख्याल आए तो यह 10 बातें सुन लेना। अगर इसलिए जान देने जा रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, तो याद रखो, दुनिया में कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। तुम अपने आप में सोचो, तुम किसी के बारे में कितना सोचते हो, कितना ख्याल आता है किसी के बारे में? तो तुमने कैसे सोच लिया कि दुनिया तुम्हारे बारे में सोच रही है? किसी के पास इतना समय नहीं है। तुम सोच रहे हो कि दुनिया सोच रही है, दुनिया कुछ भी नहीं सोचती मेरे भाई, दुनिया को अपने से ही फुर्सत नहीं है। अगर इसलिए जान देने जा रहे हो कि तुम हार गए हो, तो मेरे भाई कोई एक नाम ऐसा बताओ जो हमेशा जीता हो, जो कभी हारा ना हो। कोई है ऐसा? मेरे भाई कोई ऐसा नहीं है, कोई भी जो कभी अपने जीवन में हारा ना हो। ये जो तुम हारे हो ना, ये तुम्हारे साथ बस नहीं है, तुम पहले नहीं हो जो हारा है। दुनिया में बड़े बड़े विजेता जो हैं, वो कितनी बार हारे हैं, कभी उनकी कहानियां सुनना। अगर इसलिए जान देने जा रहे हो कि तुम्हारा अब सब खत्म हो गया, तो याद रखना, तुम सबसे बड़े भ्रम में हो। कोई अगर IITian है तो उसे इंजीनियर ही बनना चाहिए ना, उसको तो फिर कुछ नहीं आना चाहिए, तो फिर क्यों वो किसी और क्षेत्र में इतना बड़ा बन जाता है, बताइए? उसके पास तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। मेरे भाई खोजोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ कभी खत्म नहीं होता। एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खुल जाते हैं, बस तुम्हें खड़े होकर के देखने की जरूरत है। तुम देखोगे कि तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा जिसमें तुम मास्टर हो। अगर जान इसलिए दे रहे हो कि मां बाप का सपना पूरा नहीं कर पाए, तो याद रखो, मां बाप तुम्हारी जिंदगी के बदले तुमसे कुछ नहीं चाहते, उन्हें तुम चाहिए। आप कुछ भी ना करो ना, तो भी वो बैठ करके खिलाएंगे। वो तुम्हारे इस खेल में अगर तुम हार गए तो तुम अपना जीवन त्याग रहे हो, ये उनके खुशी का विषय नहीं होगा। तुम्हारे जीवन से ज्यादा उनके लिए कुछ कीमती नहीं है। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो, तुम माँ बाप के लिए तुम्हारा होना जरूरी है। अपनी हार को, अपने कैरियर को इतना हावी मत कर लो कि तुम्हारा जीवन लेने के लिए उतारू हो जाए। माँ बाप को तुम चाहिए। अगर जान इसलिए दे रहे हो कि तुमसे कोई बड़ी गलती हो गई है जिससे बहुत नुकसान हुआ है, तो याद रखो, सबसे बड़ी बात यही है कि तुम्हें यह एहसास हो गया कि तुमसे गलती हुई है। दुनिया के कितने ही लोग हैं जिन्हें जीवन भर लगता है कि उनका गलत काम उनका सही है। आपको तो कम से कम एहसास हो गया है, अब तुम चाहोगे तो उन गलतियों को सुधार सकते हो। याद रखो, समय की खाई सब कुछ पाट देती है, सब कुछ ठीक कर देती है। बस अपने आप को बदलना शुरू कर दो। जीवन को बदलने का सबसे शानदार रास्ता है अपना अगला कदम अलग दिशा में लगा दो, सही दिशा में लगा दो बस। अगर जान इसलिए दे रहे हो कि तुम जिससे बेहद प्यार करते थे उसने तुम्हें धोखा दे दिया, तुम्हारा दिल टूट गया है, तो याद रखो मेरे भाई, अगर मां अपने बेटे को खोकर अगर 15 दिन भी जीवित रह जाती है ना, तो समझ लो इस दुनिया में हर कोई किसी के बिना भी जीवित रह सकता है। और एक बात ध्यान रखो कि जो तुम्हारा होगा वो कहीं जाएगा नहीं, और जो नहीं है उसको कब तक पकड़ोगे? किसी को जबरदस्ती पकड़कर प्यार पाओगे क्या? फिर क्या सोचना, ये पागलपन नहीं होना चाहिए। जीवन बड़े उद्देश्यों के लिए बना है, इसके लिए नहीं बना है कि रोते गाते फिरो। इन सब में अपना समय मत गवाओ। और अगर जान इसलिए दे रहे हो कि अब समय बीत गया है, तो दोस्त जब जागो तभी सवेरा। कितने ही लोग हैं जिनका नाम तुमने उनकी 50-60 साल की उम्र के बाद सुना है, याद करिए बहुत मिल जाएंगे। शुरुआत कभी भी की जा सकती है मेरे भाई। इस जीवन का एक एक पल बेहद उपजाऊ है, बस तुम्हें बीज बोना है और पूरा पेड़ तैयार हो जाएगा। इसलिए योजना बनाओ और जुट जाओ जो कर सकते हो। देरी कभी भी नहीं होती, समय कभी भी नहीं गया होता। आपके पास अगर अभी समझ गए तो अभी समय है। और अगर जान इसलिए दे रहे हो कि तुम्हारे सारे साथी सफल हो गए, बस तुम रह गए, तो दोस्त सबकी यात्रा अलग अलग होती है, सब एक ही काम के लिए नहीं बने होते। कभी कभी किसी की सफलता के लिए समय लगता है, कभी कभी किसी को जल्दी मिल जाता है। तुम भी देखो अपने आसपास, तुम अपने कितने ही दोस्तों से आगे हो, तो क्या कहते हो वो सारे दोस्त मर जाएं? ऐसा तो नहीं होता ना, सबकी अपनी यात्रा है, उन्हें करने दो। आप भी मेहनत करो, आप भी हो जाओ,
आपका अपना रास्ता है, उनका अपना रास्ता है। और अगर तुम जान इसलिए दे रहे हो कि तुमने बहुत मेहनत की थी लेकिन फिर भी तुम सफल नहीं हुए, तो मेरे दोस्त ये कहां है कि जहां सिर्फ जीतना होता है? किस पढ़ाई में ये कहा गया कि जिसमें तुम जा रहे हो वहां पर तुम हारोगे नहीं, सिर्फ जीतोगे? है कोई ऐसी जगह? और अगर ऐसी कोई जगह है तो उसमें कोई खेल रह जाता है क्या? अरे भाई, जहां जीत होती है वहां हार भी होती है। कोई जीत गया, तुम रह गए, इसमें जान त्यागने की बात कहां से आ गई? इसमें मरने की बात कहां से आ गई? अरे ये योद्धा को तो पहले से ही पता होता है। क्या योद्धा जब हार जाता है तो सबको छोड़ देता है क्या? क्या वो दोबारा युद्ध में नहीं जाता? कहां सोच रहे हो, मेहनत भी हारा करती है, खोया और पाया करती है। कभी कभी बादल की बदली सूरज पर छाया करती है। कभी कभी हारा भी रहना होता है दोस्त, हार कर भी खड़े रहना सीखिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जीवन से बड़ी ये तुम्हारी छोटी सी हार नहीं है, इसमें अनेक खेल होने हैं, बहुत से मौके हैं। और आखिर में, अगर आप अपनी जान इसलिए दे रहे हो कि आपको लगता है कि इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तो दोस्त सच ये है कि ईश्वर किसी को एक जैसा नहीं बनाता, क्योंकि सब अलग अलग कामों के लिए होते हैं, सबका अपना अलग अलग रंग ढंग है। तुम दिखा दो कहीं अपने आसपास अपने जैसा कुछ, तुम अलग हो। थोड़ी हार चलती है, थोड़ी जीत चलती है, तभी तो खेल का आनंद आता है। सब कुछ बढ़िया बढ़िया कैसे हो सकता है, आप बताइए। कहना यह चाहता हूं कि जीवन कभी व्यर्थ नहीं होता, उसे व्यर्थ बनाते हैं तो हम। हमारी इस तरह की सोच, छोटी छोटी हार से, छोटी छोटी कठिनाइयों से घबरा जाने की जो सोच है, अरे जो आगे बढ़ते हैं इन्हीं चुनौतियों से तो आगे बढ़ते हैं। और यहां पर आप अपना जीवन समाप्त करने की सोच रहे हैं, जिसको जूझ करके लोग कहां से कहां पहुंचते हैं। दोस्त, हम छोटे से दुख से हारने वालों में से नहीं है, हम किसी हार से अपने को खत्म करने वालों में से नहीं है। अरे हम तो इस जीवन को पीढ़ियों के लिए उदाहरण छोड़कर जाने वालों में से है, योद्धा बनने के लिए। ऐसा योद्धा कि जीतने वाला भी तुम्हारा जीवन भर जिक्र करे। तो समझ में आया दोस्तों कि तुम्हारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है, कितने जरूरी हो इस दुनिया के लिए, अपने माँ बाप के लिए। तुम्हारी जान देने का कोई कारण नहीं है। ये छोटी मोटी मुश्किलें तो हमेशा आती रहेंगी, इसलिए जीवन में कभी भी इस तरह का ख्याल नहीं आना चाहिए, कभी भी। तो इसलिए कभी भी भूल कर भी ऐसे विचार मत लाइएगा। अगर ये छोटे छोटे दुख, अगर ये थोड़ा कहीं कुछ हार जाना अगर जीवन त्यागने का कारण बन जाए, तो सोचिए आज कोई भी आदमी रह जाएगा? सबकी अपनी कहानी है, कोई कहीं हारा है, कोई कहीं हारा है, कोई जो चाहता था उसको मिला नहीं, किसी ने बहुत प्रयास किया नहीं मिला। मैं आपको अपनी बताता हूं, मैंने भी तैयारी की है, मुझे भी पता है। अब मेरा नहीं हुआ तो क्या जीवन त्याग दो? मैंने अवसर ढूंढा, जैसा मुझे भीतर से फील होता था, बुरा लगता था, हारने का जो दुख होता था, मैंने उस पर पंक्तियां लिखनी शुरू की, जो महसूस किया वो लिखना शुरू किया। और करते करते आप सबका साथ मिला, आपको लगा कि शायद कुछ उन कविताओं से आपका जीवन बदलता है, थोड़ी प्रेरणा मिलती है, तो बस करता रह गया। और आज जो कुछ भी हूं, खुश हूं, वही कर रहा हूं जो मुझे अच्छा लगता है। कुछ और बनना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, हार गया तो हार गया, जो अपने पास है उस पर देखेंगे, फंदे में थोड़ी चढ़ना शुरू कर देंगे। बहुत सारे काम हैं, देखेंगे तो बहुत सारे रास्ते हैं। मैं पिछले आपने पूरा सब सुन लिया होगा, बहुत सारे रास्ते हैं, कभी रास्ते बंद नहीं होते। याद रखिएगा, ईश्वर का जो घर है ये दुनिया, यहां पर ढेर सारे गेट्स हैं और उसमें कहीं पर भी किवाड़ नहीं है। ये नहीं बना तो दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, हजार रास्ते हैं। जीवन त्यागना कहीं पर भी किसी का भी सलूशन नहीं है, उससे आप जीत नहीं जाओगे, उससे आप विजेता नहीं बन जाओगे कि आकर के कोई अवार्ड दे के चले जाएगा कि हाँ जीवन त्याग दिया, अवार्ड दे दो, कभी नहीं मिले। यहां इस जीवन में रहकर ही अपनी हार से लड़ोगे, जूझोगे, खेलोगे तो पाओगे। और लड़के अगर हारे भी ना तो खाली हाथ नहीं लौटोगे।
इस तरह से जीवन त्यागने का अगर विचार आए तो कभी ये सोचना कि दुनिया में कितने लोग हार रहे हैं। अब तक कोई नहीं बचता, बस इतना ही कहना।